हमारे पास ये जो स्काईनेट का रिमोट आएगा फार्मार्ट की तरफ से, इसको आज हम देखेंगे कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे पास ये सैमसंग एलईडी टीवी का रिमोट है जिससे आज हम इसको प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले स्काईनेट के रिमोट के ऊपर आपको ये कुछ लर्निंग कीज गिवन है। इनको हम लर्निंग कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने टीवी के रिमोट के हिसाब से। तो सबसे पहले स्काईनेट की रिमोट की प्रोग्रामिंग के लिए आपको यहाँ पे सेट के बटन को होल्ड करके रखना है जब तक ये जो लाइट जल रही रेड कलर की और तेज ब्लिंक ना हो। जैसे ही तेज होगी इसका मतलब जो रिमोट है प्रोग्रामिंग मोड में आ चुका है। इसके बाद आपको इन दोनों रिमोट को आमने सामने ऐसे रखना है और जो भी बटन को आपको प्रोग्राम करना है उसको सिंगल बार प्रेस करना है। मान लीजिए मैं कुछ बटन को प्रोग्राम करना है, सिंगल बार प्रेस करूंगा और उसके बाद वो वाला बटन दबाना है जिस भी बटन से आपको उसको प्रोग्राम करना है। मान लीजिए उसको पावर से प्रोग्राम करना है। इसी तरह और भी कीज है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। मान लीजिए मैं इस वाले बटन को प्रोग्राम करना है, सिंगल बार प्रेस करूंगा और यहाँ पे जिस भी बटन से आपको प्रोग्राम करना है, मान लीजिए मेरे को इसको HDMI से प्रोग्राम करना है तो सिंगल बार HDMI सामने रख के इसके प्रेस करना है। इसी तरह वॉल्यूम की इसको भी मैं प्रोग्राम करूंगा। वॉल्यूम माइनस को पहले प्रोग्राम करते हैं। वॉल्यूम माइनस पहले एक बारी दबाएंगे और इसके सामने रख के वॉल्यूम माइनस टीवी वाला। इस तरह वॉल्यूम प्लस। जब आप ये सारी कीज को प्रोग्राम कर लें आपको इस सेट के की को दोबारा प्रेस करना है ताकि जो भी आपने इन कीज को कोड लर्न करवाया है वो सारा इसमें स्टोर हो जाए। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इन दोनों रिमोटों का जो डिस्टेंस है कम से कम होना चाहिए ताकि जो रिमोट है सेटअप बॉक्स वाला वो आसानी से टीवी के कोड को अपने अंदर स्टोर करवा सके।